झुई झरना है। सरगुजा संभाग के विकास खंड के उदयपुर क्षेत्र के ललाती और खरचूरा के मध्य में इसके बीच में छोटा सा झरना, लेकिन बहुत ही खूबसूरत, मोस्ट ब्यूटीफुल। और ये झुई झरना है, छोटा सा नदी लेकिन एक विस्तार रूप लेता हुआ ऊपर से नीचे। यहाँ पर दो जगह घूमने लायक है, ये झुई झरना है, इसे जस्ट आप नीचे जाइएगा तो मणकी झरना है, यहाँ पर देखने लायक है। एक जगह मैं पहली बार विजिट किया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube, Facebook, Instagram में फैला दीजिए इस जगह को। अगर पर्यटन विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अगर ध्यान दिया जाता है तो निश्चित तौर से बड़ा विस्तार रूप लेगा और बहुत ही खुशी होगा और देख करके बिल्कुल मन को गार्डन गार्डन हो जाएगा। यहाँ पर दो जगह घूमने लायक, एक मणकी झरना और एक झुई झरना है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं यहाँ पर, चारों तरफ से पिकनिक स्पॉट कह सकते हैं घूमने लायक। पूरा सरगुजा में ऐसे ऐसे जगह है कि स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर आइए, ऐसे ऐसे हम लोग नहीं जानते हैं। हरी भूमि, फ्रीडम भारत, भारत 24 सभी न्यूज में देखिए। और आपको गुड लक, बाय। आगे का मैं सीरीज दिखाता हूँ क्या कैसे नज़र है, क्या नज़रिया है, क्या पूरा नज़रिया को पूरा दिखाता हूँ। ये पानी में हम लोग आए हैं, डूब डूब चुके हैं, पूरा दृश्य को आप दिखाता हूँ। फोटो का सेशन हो चुका है, आगे बढ़ते हुए तो ये देखिए हम लोग सकेल दिए थे और यहाँ पर ये देखिए भीग चुके हैं, ये पत्थर है, यहाँ पर पिकनिक मनाए हैं। और ये योगेश भाई है, ये दृश्य आगे से कैसे दिखता है, दृश्य देखिए इतना खूबसूरत, सुहावना, मनमोहक, ये दृश्य देख करके बहुत अच्छा लगता है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। बहुत ही स्वर्णिम मौका ये पल देख करके। और यहाँ पर एक ढोड़ी है, छोटा सा बिल्कुल एक कुंड है, बहुत स्वादिष्ट, बहुत मीठापन, अब बहुत गहरा है। यहाँ विभिन्न प्रकार के चिड़िया, बर्ड, और यहाँ पर कह सकते हैं आम का पेड़, छोटा मोटा पौधा, यहाँ पर सभी प्रकार के घनघोर जंगल पहाड़ी के बीच में बेहद ही खूबसूरत यहाँ पर जगह। ऐसे जगह देख करके, ऐसे कम जगह घूमने फिरने को मौका मिलता है, लेकिन ऐसे जगह को देख करके बिल्कुल मदहोश हो जाते हैं, जगह को देख करके बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। तो ये जगह पर एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम देखते हैं, अब आगे देखते रहिएगा परमान राजौड़ा ब्लॉग्स पे। ऐसे झरना को देखिए, वो आगे बढ़ते हैं। हम देखने के बाद बहुत अच्छा लगा। अब मैं सीधा हमारे साथी कैमरामैन, हमारे मित्र, हमारे योगेश भाई, ये योगेश भाई बताएंगे यहाँ पिकनिक मनाए हैं। यहाँ पर एक बार आए थे लेकिन ऐसा दृश्य नहीं देखे, पानी कम था उस समय। यहाँ का खूबसूरती के बारे में और ये झुई झरना इसके बारे में पणकी झरना जाना था लेकिन काम अभाव है। एक दिन अभी यही हफ्ता में तुरंत विजिट करेंगे। पणकी झरना बोलते हैं इसी तरीके का, बहुत अच्छा अच्छा जगह है, उसको भी विजिट करता हूँ। और फैला देना है, देखते रहिए, फैला देना है, पूरी तरह विस्तार कर देना है, लोग दुनिया तक जाना चाहिए, पूरा वर्ल्ड में। अब यहाँ पर एक पर्यटक जगह का विस्तार हो, हर चीज़ का सुरक्षित के पैमाना से। यहाँ एक कुंड की तरह बना है, यहाँ का पानी पी लेते हैं तो बताते हैं पहले ज़माना में कि अमर हो जाते हैं, पता नहीं। यहाँ बहुत गहरा है, देखिए कैसे बना है, बता रहे हैं यहाँ पर देखिए एक। और ये सांप है कि क्या, यह सांप भी हो सकता है, कहे कि पुराना वाला। अब यहाँ पर देखिए सांप भी हो सकता है, यह पानी ऊपर से रिझ रहा है, बहुत गहरा पानी है। यहाँ पर गलती से नीचे डुबकी ना लगाएं नहीं तो खतरा कम नहीं है। और ये पत्थर से ऊपर जाते हैं, डायरेक्ट आप जा नहीं सकते, वैसे दिखता है दूर से दृश्य। ये पर्यटन जगह बेहद ही खूबसूरत नज़ारा, देखिए आवाज़ कैसे कलराव करता हुआ। हम लोग अब यहाँ से वापस जाते हुए देख लिए, आप लोग को दिखाए कैसे लगा। अब देखते रहिए घाट को चढ़ते हैं कितना, और तो घाट में चढ़ रहे हैं और आगे देखिए पत्थर है ना, पथरियल में चढ़ते हुए आपको दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए पूरा, अब यहाँ से एकदम देखिए कैसे दिखता है, बहुत अच्छा, चारों तरफ के दृश्य आप देखिए। यहाँ पर ये गया है पानी, उधर नीचे निकल गया, नीचे से एक बहुत बड़ा झरना, पणकी झरना है बता रहे हैं। वहाँ कभी नहीं गया हूँ, आप लोग को दिखाऊंगा कैसे लगा ये वीडियो। आप देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और एक घाट है देखिए दूसरे तरफ से घूम करके, जैसे हम लोग आगे देखिए घाट, झुई झरना है, झरना से बगल में होते हुए आते हैं यहाँ पर। और बेहद ही सावधानी, यहाँ घूमने लायक बहुत अच्छा है। ऐसे दृश्य देखिए, पत्थर है, एक्सरसाइज ठीक ठाक हो जाता है, पथरीला जगह है। ऐसे जगह में जब भी आए, कहीं भी घूमने जाइए, जो भी घूमने का शौकीन है, टूरिज्म सेक्टर पे इच्छा रहता है नया नया जगह जगह, तो आप सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी है। कई लोग का इस तरीके का हादसा होने से मौत हो चुका है, थोड़ा सा असावधानी यानी कि मौत को न्योता दे सकता है। इसीलिए ऊपर से दृश्य ऐसे दिखता है, आम का पेड़ है और सूर्य देवता देखिए अपने पूरा सबाप में है, और ऊपर से बेनी उड़ रहा है। ये मौसम में बेनी आ जाते हैं, बाकी दूसरे मौसम में नहीं दिखते हैं। ऊपर से नीचे एकदम देखिए किस तरीके कंदरा यानी कि झाड़ टाइप का है, और ऊपर से नीचे बिल्कुल गहरा है,
गहरा से सीधा पणकी झरना पहुंच जाता है। वहां आज नहीं दिखा पा रहा हूं क्योंकि दूसरे दिन जाएंगे, दूसरे दिन के लिए बचाए रहते हैं। और चारों तरफ से पहाड़ है, पहाड़ के नीचे झरना गिर रहा है यानी नदी से, और वाटरफॉल बन जाता है। बहुत मज़ेदार है, बहुत सुकून लगता है। ऊपर में बिल्डिंग बन रहा है, देखिए पर्यटन विभाग चाहे कोई बनवा रहे होंगे घूमने लायक। ऊपर से ऐसे दृश्य दिखते हैं, देखिए ये चारों तरफ पहाड़ है, ये देख सकते हैं ऐसे दृश्य है। और यहाँ पर पिकनिक मनाने लायक बहुत अच्छा है। हमारे गर्ल्स स्कूल लखनपुर के पिकनिक जाने के लिए प्लान बन रहा है, और मैं चाहूँगा कि एक जगह के बारे में मैडम लोग के जिक्र करूँगा, अगर यहाँ पर आ जाएं तो बहुत अच्छा है। कैसे रहेगा भाई, हैं हमारे स्कूल के बच्चे लोग को लाएंगे, कैसे रहेगा यहाँ पर, हैं? लेकिन दिसंबर तक ठीक ठाक रहेगा ना पानी? हाँ। तो दिसंबर तक लाते हैं, नज़दीक भी हो जाएगा, देखने लायक एक नंबर है, और सावधानी की दृष्टि से भी, और बस भी आ जाएगा। यहाँ कुछ बोर्ड लगा है, बोर्ड के मैं दिखा रहा हूँ क्या बोर्ड है। ये बिल्डिंग बन रहा है चबूतरा टाइप का और आधा अधूरा बना है। देखिए यहाँ पर कुछ लिखाया है, पढ़ के मैं आपको सुनाता हूँ यूट्यूब में। यहाँ पर ये हाँ झुंझ सतवाहनी, झुंझ है, झुंझ सतवाहनी झरना उत्तर पश्चिम वन मंडल आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। विनीत ग्राम पंचायत खरसूरा विकास खंड उदयपुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़। इसके बारे में आप समझ गए, झुंझ झरना है, झुंझ झरना, झुंझ झरना है ये, झुंझ झुंझ सातवाहनी, झुंझ सातवाहनी झरना उत्तर पश्चिम वन मंडल हार्दिक अभिनंदन, यानी जंगल विभाग बनवा रहा है इसको। देखने लगे पूरा जंगल का चारों तरफ से है, जंगल विभाग यानी फॉरेस्ट का। और यहीं पर आए थे, बहुत अच्छा लगा हमको, और अब जा रहे हैं। योगेश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद डेडिकेट करूंगा कि ये बताए कि पहली बार आए थे, अभी आज आने के 4 साल के बाद घूम गए थे, मतलब रास्ता भटक गए, दूसरे रास्ता में चल दिए थे। लेकिन आखिरकार कहते हैं ना कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों में उड़ान होती है, अंतिम सांस तक आप डटे रहिएगा अपने मंजिल तक पाने के लिए, तो देर ही सही लेकिन ज़रूर मिलता हो मिलता है, तो इतना आनंद आता है कि कहना ही क्या, शब्द नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। यही कहानी था, यही स्टोरी था, यही वृत्तांत था, यही स्टोरी था। बहुत अच्छा सरगुजा संभाग में एक से बढ़कर एक खूबसूरती का यहाँ पर भगवान ने पिटारा और बछार कर दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आगे देखते रहिए परमान राजौड़ ब्लॉग्स, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, आप लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं। नाम प्रणाम का, क्या नाम है तुम्हारा? नाम परशुराम। हाँ परशुराम, कहाँ का लगा परशुराम भैया? खास यहाँ का, तो एकदम टांगों की धर ले है, कहाँ है वह यार? हाँ ये तो खेखरा, कैसे दिखाओ खेखरा, बहुत अच्छा है दिखाओ, नहीं लूटेंगे, मर रही है ना अपना आदमी, हम दिखाई दिखाई किसान, पकड़िए ना पकड़िए ना उसको, पकड़ के दिखाई हमको वीडियो में, दिखाई ना कोई दिक्कत नहीं है, खाते हैं इसको। का है यार, देखो बहुत अच्छा, कुछ मछली भी है ना हाथ में, दिखाई ना हाथ में, दिखा दीजिए, देखना चाहते हैं हमारे दर्शक, दिखाइए का का है, मछली भी है पूरा, दिखाइए मछली दिए थे। हाँ हाँ ये है, और खेखरा को दिखाइए, खेखरा को पकड़ के दिखाइए, इसको मार दिए हैं का? हाँ, इसको अलग अलग कर दिए। चलिए ठीक है, ये कहाँ से पकड़े, यही झरना से? हाँ, ये झरना को क्या झरना बोलते हैं? झुंझ नाला, झुंझ झुंझ नाला। हाँ। अच्छा तो एक नीचे भी एक ठाउ है, बता दे, परेमा परेमा झुंझ, एक बड़का है कि छोटे है? नहीं ओवर ये 5 हाथ के से फर्क में पूरा पानी जाते है। अच्छा, और अंदर ज्यादा है, ऊपर 5 हाथ, तो ऊपर चढ़ जाते, बड़ा अच्छा जगह है। ये जगह कितने तक दूरियां हुई है ये झरना ले? यार ओल पथरी से ओवर, इतने कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है। यह कौन सा नदी से आते यार? कोंडला लखन पहाड़ से उतर के आवत है। लखन, यह लखन पहाड़ है, लखन पहाड़ जगह उत्पन्न है घर। हाँ। लखन पहाड़ पहाड़ी दिखते ही लगते हैं। हाँ, लखन पहाड़ झरना उतरी से वहाँ से यार। अच्छा तो यहाँ कहाँ तक जाए, कहाँ तक मिलाएल? यार यार जाके इसे नावा गांव बकालो होते हुए इसे, हाँ, वृंदावन में अटेम में जाके मिले। वृंदावन जो उत्तर प्रदेश वाला ना, हाँ, अटेम नदी। हाँ, अटेम नदी में ये जब कौन समय आये अच्छा रहे, ये जब कौन घनी आये बढ़िया रहे? भीड़ भाड़ तो ये ऐसा में रह ले, कार्तिक पूर्णिमा क्षेत्र में। अब ये जगह स्कूल का लड़की या लड़का मना ही घूमे खातिर, स्कूल तरफ से घूमे खातिर, तो बहुत अच्छा है, अभी भी आ सकते हैं, अभी भी आ सकते हैं। हाँ जी, ये जगह ही तो का चीज सावधानी रखा, ये जगह ही तो का चीज बढ़िया देखना है, तो का चीज सावधानी, घटना भी तो हो सकते है? घटना यहाँ नहीं हुई, एक बार नहीं हुई से? कई बार ऊपर से नीचे गिर गए, लेकिन घटना अभी तक नहीं हुई। अच्छा ऊपर से नीचे गिर चुकी है? गिर चुकी है। कई बार गिरी है? दो बार गिरी है।
दो बार फिसल के मतलब डोकरा गिरी से कलार रही से कौन गिरी रही कमकर डोकरा ठेकावर पार्क लड़का कहाँ का खरसूरज का अच्छा तो कैसे गिर गए रही वो मछली धर ऊपर ऊपर धार बांध के धार में मछली धरत रही अच्छा ऊपर में ऊपर में तेकर ऊपर दिया पानी फूट गई तेकर पानी ढंस उतार तेकर नहीं गिरा उतना बड़ा पत्थर में पत्थर में घुनमुनात गिरी तब मतलब हत्या नहीं हुई से वो मतलब लगा होगा लेकिन हाँ कितना लगा था ओला तो नहीं जाना और एक जगह और एक जगह और कोई आओ गिरे रहे कुंवर पार्क लेकर गिरे रहे कुंवरे पार्क का खाली गिरत है नहीं वो तो कलार रहे कलार और कैसे गिरे सो लड़का वो कला गिरे लड़का दो लड़का खेले रहे ना वही हाँ चढ़त उतरत रहे खेलत रहे हाँ खेले जाते हैं लड़का हाँ 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 समय वो कैसे पिछल गिरी ये खतरा है ना खेले उले का जगह थोड़े है ना एक आध बार हादसा हो सकता है सावधानी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको आप बताए बहुत ही खास जानकारी है ना ये पूरा लखन पहाड़ से उतर जी जो सत बहनी है यहाँ कौन कौन है सत बहनी सत सतवाहनी सतवाहनी देवी है देवी है ना यहाँ मानते हैं मतलब देवता है देवी है देवी 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 है मानते हैं पूरा एरिया को सतवाहनी देवी सत बहनी सत बहनी सत मने सात और बहनी मने बहन है ना सत मने सात बहनी मने बहन सात बहन थो देवती मतलब कि देवी थे सात देवी थे उनका एक झरना है उनका जग स्थान है तो बहुत बहुत धन्यवाद बहुत अच्छा बताया है ना यहाँ पर हमन भी आबो एक आध बात तब आप देखते रहिए मेरा यूट्यूब बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको ठीक तो आप पूरा झरना हम लोग देख लीजिए झुंझ वन वाहनी झरना जो कि हम लोग देख लिए हैं अब विदाई ले रहे हैं यहीं से जा रहे हैं अब यहीं तक थे इसी तरीके का नया नया वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा नहीं भूलना है और मेरा परडे दिन प्रतिदिन शाम को 6 बजे करेक्ट वीडियो आता है नया नया पर्यटन जगह नया नया हस्ती नया नया लोगों नया नया जगह का चाहे आप पूरा सरगुजा संभाग का पूरा छत्तीसगढ़ का पूरा भारत का पूरा हर जगह अभी तो शुरुआत है आगाज है प्रारंभ है आगे पूरा देखिए और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा क्या लगता है ज़रूर कमेंट कीजिएगा अगर ये वीडियो को देखना है दोस्तों तो आपको क्या प्रक्रिया है आपको कैसे लगा क्या एक आध बार आए थे यहाँ या इसके बारे में नहीं जानते हैं छुपा रुस्ता में झरना है बहुत ही मोस्ट ब्यूटीफुल है आप आइए देखिए बहुत अच्छा जगह है और इसको फैला दीजिए और लोग नहीं जाने तो देखिए और मेरा फ्रीडम और फ्रीडम भारत जो चैनल है यूट्यूब में चैनल है और हरिभूमि न्यूज में इसमें छापूंगा और इसको विस्तार करते हैं और हमारे छत्तीसगढ़ को गढ़ झरना यानी पर्यटन झरना का नाम से पूरा भारत में विख्यात करना है इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ जय जोहार जय छत्तीसगढ़ वंदे मातरम जय हिंद आप हमेशा मुस्कुराते रहिए मस्त रहिए इसी तरीके का नया नया वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा धन्यवाद।